हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर कविता शर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन? बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप एंजॉय करेंगे इसे और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर साल नीट में 6 से 7 क्वेश्चंस ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आते हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड है। क्या वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने है ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। क्लियर है? ह्यूमन बींग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और वो वीवी पेरस हैं। तो हम इन दोनों टर्म्स को समझेंगे पहले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट है, मीन्स मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है दोनों। ये बाईपेरेंटल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मेल और फीमेल होंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे और जायगोट फॉर्म करेंगे। तो ऐसे मोड को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट है वीवीपेरस। वीवीपेरस क्या होता है? वीवीपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, उनमें एग फॉर्मेशन नहीं होती है। इसमें 3 टर्म्स हैं मेनली, आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट है ओवीपेरस, सेकंड वीवीपेरस एंड थर्ड इज ओवोवीवीपेरस। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा टफ समझने की जरूरत नहीं है। ओवी ओवा ये क्या करते हैं? ओवीपेरस जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एग ले करते हैं। ठीक है, बाहर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में वो एग ले करेंगे और वहां से फिर हैचिंग हो करके, एग से जब बच्चा बाहर निकलता है उसको हम हैचिंग कहते हैं। हैच होकर के नए इंडिविजुअल बाहर आ जाएंगे। ठीक है, वो है ओवीपेरस। सेकेंड टर्म इसके अपोजिट वीवीपेरस। वीवीपेरेटी का मतलब ही है लाइव बर्थ। वीवीपेरेटी का मतलब है लाइव बर्थ, मतलब वो एग को जन्म नहीं देंगे, वो किसको जन्म देंगे? डायरेक्टली जो यंग वंस हैं अपने ही जैसी माइन्यूट फॉर्म को जन्म देंगे। यंग वंस लाइव बर्थ करेंगे, वो होंगे वीवीपेरस। तो ह्यूमन बींग्स क्या हैं? वीवीपेरस हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म क्लियर हैं। अब एक और टर्म है यहां पर, वो टर्म क्या है? दोनों वर्ड मिला दिए हमने, ओवो वीवी पेरस। ओवी पेरस का भी पार्ट है और वीवी पेरस का भी पार्ट है, तो उससे बना ओवो वीवी पेरस। ये क्या है? दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। किन दोनों के बीच में? यहां पर ओवो वीवी पेर ओ सॉरी ओवी पेरस और वीवी पेरस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इन एनिमल्स में क्या होगा? अंदर बॉडी के अंदर एग होंगे, पहले एग का डेवलपमेंट होगा बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर ही एग से बाहर निकल जाएंगे लार्वा। लार्वल फॉर्म भी हो सकती है या डायरेक्ट यंग वंस भी हो सकते हैं। ठीक है, लार्वा क्या करेंगे? मेटामॉर्फोसिस होकर के अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन जो डायरेक्टली अपने जैसी ही माइन्यूट फॉर्म होगी, यंग वंस होगी, वो हैच होकर के बाहर आ जाएगी। ठीक है, मींस पहले उसकी बॉडी के अंदर एग बनेंगे, एग से बॉडी के अंदर ही हैचिंग होगी और फिर वो बाहर आ जाएंगे। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ओवो वीवी पेरस। बहुत कॉमनली इसमें एग्जाम्पल है शार्क का, कॉमन एग्जाम्पल है शार्क। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टर्म क्लियर है? ह्यूमन्स बींग कैसे हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वीवीपेरस हैं। ये पॉइंट क्लियर। सेकंड हम चलते हैं रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्लो है, स्लो प्रोसेस है। स्लो क्यों है? क्योंकि लंबा प्रोसेस है, गैमेट फॉर्मेशन है, उसके बाद उन गैमेट्स की
फ्यूजन है, उस फ्यूजन के बाद वो क्या करेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लो होता है। क्लियर। अब ह्यूमंस आर इन यूनिसेक्सुअल, ये वर्ड पहले भी मैंने बताया था, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, दो हम यूज करते हैं, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग सेक्सेस इन्वॉल्व हैं, जैसे मेल और फीमेल डिफरेंट इंडिविजुअल में है, मेल और फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, मेल और फीमेल के जो गोनेट्स हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल में हैं। अगर ऐसे एनिमल हैं तो वो यूनिसेक्सुअल हैं। तो ह्यूमन बींग्स भी यूनिसेक्सुअल हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल मेल होगा, दूसरा इंडिविजुअल फीमेल होगा, एक सिंगल में ही दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होंगी, ऐसे टाइप को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल के अंदर एक ही सेक्स होगा, सिंपल। ठीक, अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वर्ड आया। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी बहुत जरूरी है जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब इंडिविजुअल को आप बाहर से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, मेल और फीमेल को अगर आप एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली देख के बता देते हैं कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है, तो ऐसे हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मीन्स सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विजिबल हैं, आप बता सकते हैं उसे बाहर से एक्सटर्नली। ठीक है, तो अब वन शॉट में क्या हुआ, ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो विवीपेरस हैं, वो यूनिसेक्सुअल हैं और वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट आगे चले। इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तीन मेन इवेंट्स की हमने बात की थी, मैं रिपीट कर रही हूँ, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये जो इवेंट्स हैं वो जरूर होंगे। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेट फॉर्मेशन है गैमेटोजेनेसिस। आगे हम इसे डिटेल में देखेंगे, हर एक टर्म की डिटेल करेंगे, थोड़ा सा आपको बताएंगे। इनसेमिनेशन क्या है, जो स्पर्म बने उनको फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना, फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना कहलाता है इनसेमिनेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है, स्पर्म प्लस एग का फ्यूजन जायगोट बनाने के लिए, स्पर्म और एग का फ्यूजन कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फोर्थ, अब जायगोट बन गया, अब ये जायगोट क्या करेगा, इम्प्लांट होगा किसके अंदर, मदर बॉडी। ठीक है, तो उस जायगोट का इम्प्लांटेशन मदर के अंदर, जो फीमेल है उसके अंदर, उस फीमेल बॉडी के अंदर इम्प्लांट होने को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, कि वो किस तरह से अटैच होगा और कहाँ अटैच होगा, वो सारा प्रोसेस हम इम्प्लांटेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इम्प्लांट हो गया मदर के अंदर। ठीक है, अब फीमेल बॉडी के अंदर जिस तरह से एम्ब्रियो डेवलप करेगा वो होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। क्लियर, अब हम उनकी डिटेल में बात करेंगे कि क्या गैमेटोजेनेसिस है, इंसेमिनेशन क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है। थोड़ा सा ब्रीफ अप मैं यहां पर आपको बताऊंगी, फिर आगे हम डिटेल में करेंगे। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स हमने पहले भी किया था, मैं यहां पर भी दोबारा से बता रही हूं, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, और एग क्या है, फीमेल गैमेट। क्लियर, अब इनके बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं।
अब स्पर्म कहाँ बनते हैं? मेल के अंदर टेस्टिस में और फीमेल के अंदर ओवरी में। ये दोनों टेस्टिस और ओवरी कहलाते हैं गोनेट्स। इन दोनों को हम कहते हैं गोनेट्स, मेल और फीमेल गोनेट्स, ठीक है, या फिर सेक्स ऑर्गन्स हैं ये। अब गैमेटोजेनेसिस भी दो में डिवाइड करेंगे, हम पूरा प्रोसेस डिटेल में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और एग बनने की प्रोसेस को ओजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से, फीमेल के अंदर एग बनेंगे ओजेनेसिस से, क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप है इंसेमिनेशन। मैंने लिखा हुआ है गैमेट ट्रांसफर। जब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो दो इवेंट हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। ये दो प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट्स बन गए हैं, वो गैमेट कैसे ट्रांसफर होंगे, कहाँ होंगे, वो प्रोसेस आता है गैमेट ट्रांसफर के अंदर। और ह्यूमन बीइंग में गैमेट ट्रांसफर के ये जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इंसेमिनेशन, द प्रोसेस बाय विच स्पर्म ट्रांसफर इनटू द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म ट्रांसफर हो गए उसको हम कहेंगे इंसेमिनेशन। तो वन एंड टू ये दो इवेंट्स हैं प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स थे उनसे कनेक्ट हो गए हम। अब उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। बार 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 रिपीट कर रही हूँ, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। स्पर्म और एग के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एन प्लस एन इज इक्वल टू टू एन, दैट इज जायगोट, ठीक है, ये जायगोट बन जाएगा। नाउ जायगोट फॉर्मेशन के बाद इम्प्लांटेशन, मदर बॉडी के अंदर यूटराइन वॉल में किस तरह से अटैच होगा वो सारी डिटेल हम इम्प्लांटेशन के अंदर करेंगे। अब फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है, इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है, किस तरह से एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करेगा, वो सारा प्रोसेस होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड ह्यूमन बींग्स में इसको हम पढ़ेंगे दो टर्म्स में, गेस्टेशन पीरियड जो पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड है, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वन मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ किस तरह से होगा नाइन्थ मंथ तक, वो सारी बात करेंगे हम गेस्टेशन के अंदर। और उसके बाद अब एम्ब्रियो कंप्लीट है, एम्ब्रियो जब कंप्लीट हो जाएगा वो बाहर कैसे आएगा, दैट प्रोसेस इज पार्चुरेशन, डिलीवरिंग ऑफ बेबी, ठीक है। तो इनके अंदर पढ़ेंगे। नाउ द पॉइंट इज दैट कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट कहां से करें, कहां से स्टार्ट करना चाहिए हमें, सेक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना, टेस्टिस है, ओवरी है। तो सबसे पहले हमें ये दो चीजें जाननी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस एंड टेस्टिस और ओवरी, और इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम पहले बात करेंगे कि ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, मेल में किस तरह का है, फीमेल में किस तरह का है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोनों ही केसेस में, मेल हो या फीमेल हो, ह्यूमन, वेदर मेल और फीमेल, मेल और फीमेल की जब हम बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली तीन पार्ट में हम पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी क्या है, जो बर्थ से पहले फीटस में जो डेवलप हो रहे हैं, जो एम्ब्रियो में डेवलप हुए। सेकेंडरी इसके बाद, ठीक है।
अब असेसरी सेक्स ऑर्गन भी हैं, ठीक है, जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट यस दे आर रिलेटेड टू सेक्स, दैट्स वाई दे आर नोन एज असेसरी सेक्स ऑर्गन। अब हम इनकी डेफिनेशन करेंगे कि क्या है ये, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? वो सेक्स ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स का बनना जरूरी है, स्पर्म और एग का बनना जरूरी है, तो जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उन सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। एंड गैमेट के प्रोडक्शन में हार्मोन्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दो काम हैं, गैमेट का प्रोडक्शन और जो हार्मोन है उनको सिक्रीट करना। ये वेरी करेंगे दोनों में, जैसे मेल के अंदर क्या है, टेस्टिस हैं, और फीमेल के अंदर ओवरी हैं। हार्मोन भी इसी तरह से वेरी करते हैं, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। जब हम हार्मोनल कंट्रोल की बात करेंगे तो इनको भी हम डिटेल में करेंगे, इसीलिए अभी के लिए हम इनकी बात नहीं करते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि गैमेट्स बनाते हैं और सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, बहुत जरूरी। अब सेकेंड कैटेगरी में क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी है, वो क्या करेंगे, ना तो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे ना हार्मोन सिक्रीट करेंगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। डेफिनेशन यहां तक क्लियर है। असेसरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स या सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करते, लेकिन जिस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की हम बात कर रहे थे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की हम बात कर रहे थे, उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये दोनों ही क्या करते हैं, स्पेसिफिक फीचर्स प्रोवाइड करते हैं मेल और फीमेल को, वो कहलाते हैं असेसरी सेक्स कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर एक टर्म और है जिसको हमने नाम दिया है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज अ बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस करने की, सेक्सुअली मैच्योर होने की जो बिगिनिंग है, जो स्टार्टिंग है, उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स तो अवेलेबल हैं, फीटस से ही वो प्रेजेंट है, लेकिन जब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आनी स्टार्ट होती हैं धीरे धीरे, तो वो प्यूबर्टी का प्रोसेस होता है, वो प्यूबर्टी होती है, और ये वेरी करती है मेल और फीमेल में। गर्ल्स के केस में ये 10 टू 14 ईयर से स्टार्ट होती है, और बॉयज़ के केस में 13 टू 15 ईयर्स, ठीक है। ये एक एवरेज है कि बेसिकली इन ईयर्स में प्यूबर्टी आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और असेसरी सेक्स ऑर्गन्स, ये वेरी करते हैं मेल और फीमेल में। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में करेंगे कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, किस तरह का होता है, और कैसे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, पहले हम उसकी बात करेंगे। अब ये फिल्म स्टार्ट होने से पहले का ट्रेलर है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाने के हिसाब से हमने डिवाइड किया इन पार्ट में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, दो टेस्टिस होंगे, उसके बाद असेसरी डक्ट होंगी, डक्ट जो क्या करेंगी, यहाँ पर जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए उसे लेकर के जाएंगी बाहर, कैरी करेंगे स्पर्म को, कैरी करेंगे, ठीक है ना। तो वो होगा असेसरी डक्ट्स की हेल्प से। कौन कौन सी है? फर्स्ट रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइडाइमिस एंड वासा डिफरेंस, ठीक है, ये है असेसरी डक्ट्स, डक्ट्स इस तरह की फॉर्म में, क्लियर है।
कोई नैरो हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है, क्वाइल्ड हो सकती है, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या है आप सबको पता है, जो सिक्रीट करती हैं कुछ। अब वो ग्लैंड्स कौन सी हैं, यहाँ पर पेयर्ड सेमिनल वेसिकल है एक, ये दो सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड और दो पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीन असेसरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो बाहर दिखाई देता है दैट इज पेनिस। तो हम वन बाय वन मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे इस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म है पेयर ऑफ टेस्टिस, तो हम टेस्टिस के बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे डक्ट्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में और एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये साइड व्यू है और ये फ्रंट। अब यहां पर देखिए, अभी बैक स्लाइड में हमने बात की अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ये है टेस्टिस, दो पेयर टेस्टिस के हैं। उसके बाद यहां पर ये आपको जितना भी दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको क्लियरली भी शो करूंगी दूसरे पिक्चर में, ये जो प्रोसेस है यहां पर इस तरह से, ये सारा आपका बना रहा है डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम जिसमें रेटे टेस्टिस है, वासा एफ्रेंसिया है, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया यहाँ पर ये, उसके बाद एपिडाइडाइमिस और वासा डिफरेंस, ठीक है। वन टू थ्री एंड फोर, ये क्या है, चार डक्ट्स हैं। अब आप यहाँ पर देखिए सेमिनल वेसिकल, लुक एट हेयर, ये एक सेमिनल वेसिकल का पेयर है। उसके बाद यहाँ पर ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड है एंड दिस स्मॉल स्मॉल आर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कॉन्टिन्यूएशन में ये तीन, ये क्या है, असेसरी ग्लैंड्स, असेसरी ग्लैंड्स। क्या रह गया आप, क्या रह गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस, ठीक है। ये ब्रॉडली मैंने आपको बताया कि हम जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे इस तरह से पढ़ेंगे। ये टेस्टिस, यहां पर ये ओपन टेस्टिस है, टेस्टिस को खोल के दिखा रखा है, ठीक है, और ये क्लोज्ड टेस्टिस। इसके ऊपर ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है एपिडाइडाइमिस और यहां पर ये जो जा रही है दैट इज वास डिफरेंस, क्लियर है। ये आपको फ्रंट व्यू में दिखाई दे रहा है, ये साइड व्यू, साइड व्यू में भी आपको एक बार और एक्सप्लेन करती हूं, ये एक पाउच है, ठीक है ना, उस पाउच के अंदर ये टेस्टिस पड़े हुए हैं। उस पाउच को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। दिस पाउच इज नोन एज स्क्रोटम इन स्क्रोटल स्क्रोटल सेक्स। टेस्टिस सिचुएटेड कहाँ पे, सिचुएटेड है, दे आर सिचुएटेड इन स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। एक पाउच है नीचे हैंग करता हुआ, उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, व्हाई, इसका जवाब कि क्यों वो स्क्रोटम में प्रेजेंट हैं, क्योंकि उन्हें जो उनका काम क्या है, टेस्टिस का, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, स्पर्म बनाना, ठीक है ना। अब स्पर्म बनाने का जो फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे कम, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म को डेवलप होने के लिए। और इसी के लिए जो टेस्टिस हैं वो आउटसाइड द ऑब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी एक पाउच के अंदर होते हैं, ठीक है। यार ये तो गड़बड़ हो रही है बार बार एक्सप्लेनेशन। अब हम डिटेल में बात करेंगे टेस्टिस के बारे में।
टेस्टिस क्या है? एक सैक, एक स्क्रोटल सैक्स में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, उस पाउच को हम कहते हैं किस तरह से, ये देखिए, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और ये पाउच के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, इस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम। इस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम। क्यों प्रेजेंट है? टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, मींस स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो स्क्रोटम है ये क्या करता है? स्पर्म को डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उस पे स्पर्म डेवलप नहीं होंगे, उस पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। किस पर होगी? अगर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर होगा तो ही स्पर्म डेवलप होंगे। तो ये जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटल सैक्स हैं, ये अलाउ करते हैं टेस्टिस को अपना बॉडी टेम्परेचर लोअर करने के लिए। हैंग ऑन होते हैं तो हैंग ऑन होने की वजह से टेम्परेचर ऑटोमेटिकली लो हो जाता है, कम हो जाता है, और ऐसे सिचुएशन में स्पर्म डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई बार क्वेश्चंस ये आ सकता है कि टेम्परेचर कितना कम होता है और स्क्रोटम किस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्क्रोटम करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प। कैसे? जो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे लोअर, कितना लोअर? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर मेंटेन करके। ठीक है, अब ये क्या है? जो ह्यूमन के टेस्टिस हैं वो कैसे हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हैं, मींस जो एब्डोमेन है उससे बाहर हैं, दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। स्टार्ट कब होते हैं? अब अराउंड 7th मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसके 7th मंथ में ये क्या करते हैं? एब्डोमिनल कैविटी से निकल करके डिसेंड, नीचे चले जाते हैं, किस में? स्क्रोटल सैक्स में, स्क्रोटल सैक्स में चले जाते हैं। और इसीलिए जो ह्यूमन बींग्स के टेस्टिस हैं उनकी पोजीशन क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। एक क्वेश्चन ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, कि ह्यूमन के टेस्टिस कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल, इंटर एब्डोमिनल, किस तरह के? तो ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हैं। अब इसमें ये जो डेवलपमेंट है, ये जो डिसेंडिंग है, जो टेस्टिस का एब्डोमेन से निकल करके नीचे हैंग ऑन होना, स्क्रोटल सैक्स में डिसेंड हो जाना, वो जो है उस प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इस प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। ठीक है, इस सिचुएशन में ये जो वर्ड है ये कहाँ से अराइज हुआ, याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, 2 में हमने इसे तोड़ दिया। क्रिप्टोस मीन्स हिडन और ऑर्चिज मीन्स टेस्टिकल, हिडन टेस्टिकल, टेस्टिकल टेस्टिस का ही दूसरा नाम है, टेस्टिस को ही हम टेस्टिकल कहते हैं। तो क्रिप्टोस ऑर्चिज मीन्स हिडन टेस्टिकल, अब वो जो स्क्रोटल सैक्स हैं उनमें डिसेंड नहीं होते हैं। अब ये सिचुएशन क्या हो सकती है? ऐसा एक के साथ भी हो सकता है और दोनों के साथ भी हो सकता है, वन और बोथ। टेस्टिस में हो सकता है एक डिसेंड ना हो, या हो सकता है दोनों ही डिसेंड ना हो। इफ टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटल सैक्स, कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। ठीक है, अब इससे होगा क्या? ये हो गया इस सिचुएशन में, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, लोअर जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर था उससे लोअर बॉडी टेम्परेचर तो मिला ही नहीं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं होगी, एंड दैट लीड्स टू स्टरलिटी। ठीक है, और ये जो क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म है ये एक मोस्ट कॉमन बर्थ इफेक्ट है जो ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट ही हो जाता है। अभी के लिए आपको इतना ही जानना
जरूरी है, ठीक है। फर्दर इसके और टाइप्स भी हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। हिडन टेस्टिकल, ये याद रखिए कि जो टेस्टिस हैं वो स्क्रॉटल सैक में जब डिसेंड नहीं हो पाते, उस फिनोमिना को आप क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, टेस्टिस का बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपने कितना जान लिया अभी तक कि दो हैं, एक पेयर है टेस्टिस का जो स्क्रॉटल सेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो कैसे हैं शेप में, शेप आपको बार बार दिख ही रही है, एक एग की तरह की शेप है, ये ओवल शेप प्रेजेंट है। इसकी लेंथ कितनी है, 4 to 5 centimeter और विड्थ 2 to 3 centimeter, एक एवरेज है ये। अब आप थोड़ा सा अंदर चलते हैं, आपने बाहर से जान लिया, आप थोड़ा अंदर चलते हैं कि जो टेस्टिस है उसके पास बहुत कुछ है भाई। ये देखिए, उसने कहा कि उसके पास 250 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, तो टेस्टिस जो इंटरनली है वो अलग अलग इस तरह से कंपार्टमेंट में, ये कंपार्टमेंट क्या कहलाते हैं, लोब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है। ये आपको जो क्वाइल्ड फॉर्म दिख रही है, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस डिवाइड इनटू 250, अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। इन कंपार्टमेंट को आप क्या कहते हैं, इन कंपार्टमेंट को आप लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ये एक लोब्यूल, ये एक लोब्यूल, अगर मैं इसे दोबारा से बताऊं, ये देखिए, ये एक लोब्यूल है, ये एक लोब्यूल, ये एक लोब्यूल, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल, क्लियर। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, क्वाइल्ड फॉर्म में जो प्रेजेंट हैं वो होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इच लोब्यूल कंटेन्स क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। तो टेस्टिस के भी किसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको ये दो लोब्यूल के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये स्पेस है, ये स्पेस है सेप्टम, ठीक है, इतना क्लियर है। अब उस टेस्टिस की कवरिंग भी है, उन कवरिंग के बारे में हम बात करेंगे। कवरिंग ट्यूनिका, ट्यूनिका कवरिंग को ही ट्यूनिका कहते हैं। मेन थ्री हैं ये, इस तरह से चलेंगे हम, वास्कुलोसा, ट्यूनिका वास्कुलोसा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वैगिनेलिस, ठीक है। ये आपने तीन देखी, अब यहाँ पर आपको देखिए, ये मिटा देते हैं हम सारा, सिर्फ हम कवरिंग की बात करेंगे। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये देखिए, ये जिसके अंदर इस तरह से ये एक बॉल, एग, ओवल शेप का प्रेजेंट है टेस्टिस, ठीक है। उसकी जो सबसे आउटर, जो मतलब सबसे आउटर जो टेस्टिस की पर्टिकुलरली प्रेजेंट है, दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से पहले यहां पर प्रेजेंट है वास्कुलोसा, वास्कुलोसा सबसे पहले, इनर मोस्ट वास्कुलोसा, वास्कुलोसा के बाद एल्ब्यूजिनिया, और टेस्टिस की जो एल्ब्यूजिनिया की कवरिंग है उसके बाहर होंगी, ये आपको दिखाई दे रही है यहां पर, ये जो मैं रेड से मैंने आउटलाइन की, दिस इज ट्यूनिका वैगिनेलिस। ये पूरा प्रोसेस ट्यूनिका वैगिनेलिस का है। ट्यूनिका वैगिनेलिस फर्दर तीन में डिवाइडेड है, इनर विसरल लेयर, बाहर की पैराइटल लेयर, और उसके बीच में जो गैप है दैट इज कैवुम वैगिनेल, ये विसरल लेयर,
इससे बाहर ये पेराइटल लेयर और ये ग्रे जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कैवम वैगिनेले, ये एक कैविटी है, कैविटी ऑफ ट्यूनिका वैगिनेलिस जिसे हम कहते हैं कैवम वैगिनेल। ठीक है, फिर से रिपीट करूं कवरिंग्स को, इनर मोस्ट वास्कुलोसा, उसके बाद नेक्स्ट दो लेयर एल्ब्यूजिनिया की, एल्ब्यूजिनिया जो पूरी तरह से उन कंपार्टमेंट को कवर करके रखता है, एंड उसके बाद ट्यूनिका वैगिनेलिस जो दो लेयर्स हैं, विसरल लेयर पेराइटल लेयर और उन दोनों के बीच में कैविटी है कैवम वैगिनेल। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से कैविटी की बात करेंगे, ये बहुत ही क्लियर, ये यहाँ पर ये क्या है, ये सारे हैं, क्या है ये सारे लोब्यूल, कौन से लोब्यूल्स, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर ये प्रेजेंट हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अब इनको कवर करते हुए ये आपको जो दिखाई दे रही है ये क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये सारा पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो सेप्टम्स दिखाई दे रहे हैं ये पूरा पोर्शन है आपका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाहर ये देखिए, ये फर्स्ट सेकेंड, ये क्या है ट्यूनिका वैगिनेलिस, इनर आउटर, और इसके अंदर ये कैविटी जो कि क्या कहलाती है कैवम वैगिनेल। ठीक है, ये लेयर्स ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि आगे हमें इसी को समझना है। ठीक है, कंपार्टमेंट्स हैं ये सारे, इनके बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, इन जो ये लोब्यूल्स हैं उनके बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर तो ये क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, अब ये सारे क्वाइल्ड फॉर्म वाले यहाँ पर आकर के एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल बना रहे हैं, ये देखिए अगर क्लियरली देखेंगे तो ये विजिबल है, ये क्या है स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नोन एज ट्यूब्यूली, ट्यूब्यूली रेक्टाइल, क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं कंपार्टमेंट के अंदर, वो क्या करेंगे सारे कंबाइन होकर के यहां पर एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल बना लेंगे, उसको हम कहते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। ठीक है, ये बीच में जो स्पेस है, ये जो सेप्टम है वो है सेप्टा टेस्टिस, या सिंपली आप टेस्टिस सेप्टम भी कह सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, अब ये सारे जितने भी निकले ये इस पोर्शन में एक नेटवर्क बना रहे हैं, ये सारे ट्यूब्यूल्स एक नेटवर्क फॉर्म करेंगे और उस नेटवर्क को हम कहते हैं रेटे टेस्टिस, दिस होल नेटवर्क इज नोन एज रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। ठीक है, यहां पर अब ये दिस वन रेटे टेस्टिस से ये निकल रही है, दिस आर नोन एज एफरेंट डक्टूल्स और वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया। ठीक है, इसको हम वन बाय वन की किसका क्या फंक्शन है वो भी बात करेंगे। अब ये जितने भी हैं ये जो एफरेंट डक्टूल्स हैं, ये डक्टूल्स आपको देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में जाकर के ये सारे यहां पे मिल रहे हैं, तो ये सारे जो वासा इफ्रेंसिया हैं ये क्या बनाएंगे, दिस इज ये पूरा जो है ये वाला, दिस वन आप देख रहे हो ये डक्टूल्स निकल रहे हैं सारे, दिस वन ये वासा इफ्रेंसिया है, ये सारी वासा इफ्रेंसिया मिलकर के बनाती हैं एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस। ठीक है, रिपीट करें एक बार, सबसे पहले टेस्टिस के अंदर 250 के अराउंड कंपार्टमेंट्स हैं
उन कंपार्टमेंट के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल बनाएंगे, एक लोब्यूल से एक निकलेगा, ठीक है, अराउंड 250 के अराउंड। वो जो स्ट्रेट जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे उनको हम कहते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई। ट्यूब्यूली रेक्टाई यहाँ पर एक नेटवर्क फॉर्म करेंगे ट्यूब्यूल्स का, उस नेटवर्क को कहते हैं रेटे टेस्टिस, ठीक है। ट्यूब्यूलू रेक्टाई, रेटे टेस्टिस एंड रेटे टेस्टिस फर्दर वो क्या करेंगे, हर लीड करेंगे, फर्दर आगे जब वो बढ़ेंगे देन दे आर वैसा इफ्रेंशिया और बहुत सारी वैसा इफ्रेंशिया कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, एपिडाइडाइमिस। और इसके साथ ही यहाँ पर ये प्रेजेंट है डिफरेंट टेस्टिकुलर आर्टरी एंड टेस्टिकुलर वेंस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब टेस्टिस में दो चीजें और हैं, फर्स्ट क्यूबरनाकुलम और इंग्विनल कैनाल। ये क्या है, सिंपली कि जो टेस्टिस का स्क्रोटम से जो अटैचमेंट है दैट इज विद द हेल्प ऑफ क्यूबरनाकुलम, ठीक है। और स्क्रोटम जब कम्युनिकेट करता है जिसके थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से दैट इज इंग्विनल कैनाल। आप दो के बारे में सिर्फ इतना जानिए कि टेस्टिस जो कनेक्टिव टिश्यू स्क्रोटम अंदर की तरफ स्क्रोटम से कनेक्टेड है ग्यूबरनाकुलम से, उस पार्ट को ग्यूबरनाकुलम टेस्टिस कहते हैं, और बाहर एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है इंग्विनल कैनाल की हेल्प से, ठीक है। अब टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या हैं, जर्मिनल एपिथेलियम की लाइन से हैं, उसमें दो मेन सेल्स हैं, कौन से, मेल जर्म सेल और सर्टोलाई सेल्स। मेल जर्म सेल्स में उसकी जो लाइनिंग है जर्मिनल एपिथेलियम जो है उसमें जर्म सेल्स प्रेजेंट हैं, वो जर्म सेल क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। ये जर्म सेल क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे और स्पर्म बनाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ एक मेल जर्म सेल प्रेजेंट है ट्यूब्यूल्स के अंदर, उसके बाद सर्टोलाई सेल्स प्रेजेंट है। सर्टोलाई सेल को सस्टेंटाकुलर सेल भी कहते हैं और एक और नाम भी है इनका, नर्स सेल्स, ठीक है ना, नाम से ही आपको याद रहेगा इनका काम क्या है, नर्स क्या करती है, देखभाल करती है। तो ये जो सर्टोलाई सेल्स हैं उनको नर्स सेल्स भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। मेल जर्म सेल स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे और नर्स सेल्स जो सर्टोलाई सेल्स हैं वो उस डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। और भी सेल्स हैं, पहले हम इसमें देख लेते हैं, ये ह्यूमन टेस्टिस का TS है, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन है। अगर आप उसे ट्रांसवर्सली कट कर देंगे तो आपको ये चीजें दिखाई देंगी, ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से प्रेजेंट है। क्या है ये, एक सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये ट्यूब्यूल है जो इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट, ये स्पर्म, ये स्पर्मेटोजोआ के डिफरेंट स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस के अंदर ये बीच में जो मटेरियल है ये कनेक्टिव टिश्यू है, स्पर्म बंडल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पार्ट हैं। अब इसमें आप देखिए कि सर्टोलाई सेल्स, ये जर्मिनल सेल की लेयर प्रेजेंट है और इसके अंदर है सर्टोलाई सेल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है इसमें कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट हैं, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिग सेल, ठीक है। ये क्या होते हैं, लेडिग बीच में जो स्पेसेस में प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम इन्हें इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। काम क्या है इनका, हार्मोन को सिक्रीट करना, कौन से हार्मोन,
एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन्स में भी कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तब आपने अब क्या देखा? टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। ट्यूब्यूल के अंदर क्या है? फर्दर जर्म सेल। कौन से जर्म सेल? मेल जर्म सेल एंड सर्टोलाई या फिर नर्स सेल्स। ये क्या करेंगे? स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या करेंगे? उसे नरिश करेंगे, उसे न्यूट्रिशन देंगे। तो हमारा एक काम हुआ, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। फंक्शन क्या था इसका? इसका फंक्शन था स्पर्म प्रोड्यूस करना। तो एक काम तो हुआ, स्पर्म प्रोडक्शन किया यहाँ पर जर्म सेल ने। अब उन स्पर्म को नरिशमेंट दिया। अब एक और काम रह गया कि वो क्या करते हैं? सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट है उसमें इंटरस्टिशियल सेल भी प्रेजेंट हैं। वो क्या करते हैं? वो एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिस टेस्टिस की हम बात कर रहे थे उसने स्पर्मेटोजेनेसिस भी की और हार्मोन भी प्रोड्यूस किए।